और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजनों को लेकर सतपुला पार्क में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में विवाद छिड़ गया है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने छठ घाट निर्माण का काम रुकवाया, जबकि बीजेपी ने आप पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सतपुला पार्क में छठ घाट बनाने से रोका गया, क्यों रोका आम आदमी पार्टी का ये सवाल है। परमिशन के बाद भी डीडीए ने रोक लगाई, ये कहा जा रहा है। और साथ ही बीजेपी ने आप पर पलटवार किया है, ये कहा कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है। कि इस वक्त हम दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर देखिए आपको तस्वीरों में नजर आएगा, खुद सौरभ भारद्वाज जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये प्रदर्शन किस बात को लेकर हो रहा है, ये सियासी घमासान पूरा किस बात को लेकर हो रहा है, वो आपको बताने की समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप पीछे तस्वीरों में एक ग्राउंड देख पाएंगे, ये जो ग्राउंड है ये सतपुला ग्राउंड है और यहाँ पर हमने जो आम लोगों से बातचीत की उसमें ये पता चल पाया कि यहाँ पर छठ पूजा के लिए पिछले कई वर्षों से दो पंडाल जो है, दो घाट जो है वो बनते आ रहे हैं और अब इन्हीं घाट बनाने को लेकर ये जो सियासी घमासान है वो यहाँ पर हो रहा है। आपको जो तस्वीरें हैं सबसे पहले वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा ग्राउंड है और यहाँ पर अमूमन होता क्या है। देखिए आपको अंदर एक जेसीबी नजर आएगी, आपको अंदर पुलिस बल भी नजर आएगा इस ग्राउंड में। तो यहाँ पर देखिए जन सेवा समिति और छठ पूजा समिति, ये दो अलग अलग समितियां हैं जो छठ पूजा को लेकर यहाँ पर घाट बनाती हुई आ रही हैं। जब हमने बीजेपी से बात की, एक गेट पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, एक गेट पर आम आदमी पार्टी। बीजेपी से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि जन सेवा समिति को डीडीए से परमिशन मिली है यहाँ पर घाट बनाने की, वो लोग यहाँ पर घाट बनाएंगे, हालांकि उसमें आम आदमी पार्टी अड़चन डाल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि छठ पूजा समिति को डीएम से परमिशन मिली है और उस परमिशन के बेसिस पर वो यहाँ पर घाट बनाएंगे और इनका कहना है कि डीडीए उन्हें ये करने से रोक रही है, बीजेपी इनडायरेक्टली उन्हें ये करने से रोक रही है, ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है। तो देखिए छठ से पहले दिल्ली में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल पूछा कि पूर्वांचल के लोग जब यहाँ पर पिछले कई सालों से छठ मनाते आ रहे हैं तो फिर अब डीडीए उन्हें क्यों रोक रही है। सौरभ जी, हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है यहाँ, इसके एक गेट पर आप लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी है एक गेट पर, ये क्या है पूरा मुद्दा, क्या कुछ ये छठ? देखिए गरीब पूर्वांचल के लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और वो गरीब लोग यहाँ पे सालों से छठ पूजा मना रहे हैं। नंबर एक, चिराग दिल्ली का दलित समाज 300 सालों से इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने पिछले एक महीने से इस रास्ते को बंद कर दिया है। भीम बस्ती की तरफ जो जाता है, जिसको भीम पुलिया बोला करते थे, उस रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया है। अब गरीब आदमी जो है यहाँ से निकल नहीं सकता तो कहाँ से निकलेगा? आप गरीब आदमी को क्या अंदर दबा दोगे, उसको मार दोगे? ये गांव वो गांव है, ये आसपास की जितनी कॉलोनियाँ बसी हैं इस गांव के लोगों की ज़मीनों पे बसी हैं, आप इस गांव के लोगों का दम कैसे घोट सकते हो? और दलित समाज के लोग जो है इस चीज़ से, ये पूरी की पूरी भीम बस्ती है इधर, आप जो है उनको जो है दबा के ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पे अगर पूर्वांचल के हमारे गरीब भाई बहन 8 सालों से छठ मना रहे हैं तो अब डीडीए उनको कैसे रोक सकती है? इनके पास बाकायदा परमिशन है, दिल्ली सरकार से इनका पैसा पिछले 8 सालों से आता है, ये लोग छठ मनाते हैं, अब इसको रोकने का क्या मतलब है? क्या राजनीति की जा रही है? ये तो गलत है। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रही है। बीजेपी काउंसिलर शिखर राय ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के लोग जेसीबी लेकर आए थे और घाट नहीं बनाने दिया गया। इतनी राजनीति होती है यहाँ पर कि पिछले कई सालों से पानी तक बंद कर दिया जाता था पिछले, और ये लोग खरीद के घाट में पानी डालते हैं इसीलिए कि यहाँ के जितने हमारे पूर्वांचल के भाई हैं कम से कम उनके लिए इस महापर्व में अच्छा आयोजन हो सके, उनके लिए ये व्यवस्था बन सके। आज जब परमिशन के बाद समिति के लोग यहाँ पर जेसीबी लेकर के घाट खोदने आए, अंदर खड़ी है जेसीबी, आप देख लीजिएगा,
तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी पार्षद जो चितरंजन पार्क से आशा ठाकुर आकर के जेसीबी के आगे लेट गई और उन्होंने वो काम वहां बंद करवा दिया। जितनी लेबर थी यहां पर सुबह 10 बजे से ये ड्रामा यहां कर रहे हैं, लेबर भगा दी। हमारे कार्यकर्ता हैं मौर्या, उनको चोटें पहुंचाई। स्वयं सौरभ भारद्वाज के भाई गौरव भारद्वाज ने उनके साथ मार पिटाई की। MLC कटी है, अभी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो पाई है लेकिन MLC तक कट गई। इतनी गुंडागर्दी, इतनी आतंक की राजनीति ये यहाँ पर कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि ये किस बात का बदला यहाँ के पूर्वांचल के भाइयों से ले रहे हैं कि यहाँ पर ये छठ घाट न बने, इसमें इनको क्या इंटरेस्ट है और ऐसा क्यों कर रहे हैं।